हेलो दोस्तों, मैं अशोक आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल ट्रांसपोर्ट अड्डा पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज की डेट है 5 अप्रैल 2020 और आज की एक ट्रांसपोर्ट न्यूज़ है दोस्तों, विशेषकर ड्राइवर भाइयों के लिए बहुत ही ज़रूरी न्यूज़ है ये। जैसा कि आपको पता है, देश में 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है, जिसके चलते सारी सुविधाएँ बंद हो गई है। बहुत सारे ड्राइवर भाई ऐसे हैं जो देश के अलग अलग कोने में फंस चुके हैं और उनके पास खाने पीने की सुविधा भी नहीं है। तो ऐसे में ड्राइवरों की मदद के लिए सरकार ने एक ऐप लॉन्च की है, जिससे वो ड्राइवर तक पहुंचेंगे, ड्राइवरों को जो है मदद मिलेगी। तो क्या है पूरी खबर दोस्तों, और किस प्रकार की मदद जो है ड्राइवर भाइयों को मिलेगी, और ये जो ऐप है इसका क्या नाम है और कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं, पूरी डिटेल मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, भारत सहित दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। इसके संक्रमण से बचने के लिए भारत में इन दिनों 14 अप्रैल तक 21 दिनों का लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन की घोषणा के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि जो जहां है वह वहीं पे रहे। ऐसे में देश के अलग अलग इलाकों में ड्राइवर भी फंसे हुए हैं दोस्तों, क्योंकि यातायात के लिए भी सिर्फ ज़रूरी सेवाओं के लिए प्रयोग होने वाली गाड़ियों को ही जो है निकलने की अनुमति है। अब ऐसी स्थिति को देखते हुए सप्लाई चेन कंपनी लोकस और भारत पेट्रोलियम ने एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए फंसे हुए ड्राइवर्स को मदद की जाएगी। कंपनी ने इस ऐप का नाम ड्राइवर सेवा मोबाइल ऐप रखा है दोस्तों, ड्राइवर सेवा मोबाइल ऐप। तो दोस्तों, इस ऐप के जरिए लॉकडाउन में फंसे ड्राइवर अपने आसपास मौजूदा सुविधाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कंपनी का कहना है कि इस ऐप के जरिए ड्राइवर अपने आसपास सबसे सुरक्षित और बेहतर पार्किंग की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बता दें कि देशव्यापी बंद का उद्योगों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है, क्योंकि ड्राइवर ही खाद्य रसद की आपूर्ति करते हैं, साथ ही वह उद्योग की जीवन रेखा भी है। एक बयान में कहा गया था कि ड्राइवरों की एक बड़ी आबादी के पास जीवित रहने के लिए कोई संसाधन नहीं है, इसलिए इस ऐप का उद्देश्य लॉकडाउन में देश भर में फंसे ड्राइवरों की मदद करना है। तो दोस्तों, इस ऐप के जरिए ड्राइवरों को नज़दीकी राशन की दुकान, पानी की दुकान, नज़दीकी पेट्रोल पंप और ढाबों की जानकारी के साथ साथ लोकेशन के बारे में भी बताया जाएगा। लोकस के सीईओ निशित रस्तोगी ने बताया कि इस ऐप के जरिए ड्राइवरों की मदद के लिए एक बड़ी टीम काम कर रही है। वहीं अब तक इसमें 400 भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप, 6 AMPM और 30 से अधिक ढाबों की जानकारी उपलब्ध कराई जा चुकी है। कंपनी का कहना है कि इसे जल्द से जल्द 1,000 से अधिक करने का लक्ष्य है। बता दें दोस्तों कि 21 दिन तक चलने वाला लॉकडाउन 14 अप्रैल तक चलेगा। इसके चलते काफ़ी ड्राइवर अपने वाहनों सहित देश के अलग अलग इलाकों में फंसे हुए हैं। तो दोस्तों, लोकस के सीईओ निशित रस्तोगी ने यह भी कहा कि हमने बहुत सारे ग्राहकों के बारे में सुना है जो नेशनल हाईवेज़ पे फंसे हुए हैं। इस दौरान उन्हें खाने पीने और कहीं जाने तक की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए हम सबको एक बार फिर एक साथ मिलकर लोगों की मदद करने की आवश्यकता है, इसीलिए ड्राइवर सेवा ऐप लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर कोई भी ड्राइवर भाई अगर नेशनल हाईवेज पे फंसे हुए हैं, कहीं भी फंसे हुए हैं, उनको आप मदद पहुंचाइए और वो जो है ड्राइवर सेवा ऐप डाउनलोड करके सरकार की मदद ले सकते हैं। तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।